सोचा था इस साल छठ में दौरे का साइज थोड़ा बड़ा करें, पिछले साल से कुछ ज्यादा खुशियों को झोले में भर के पूरे गांव में बंटवाएं। इसी कमाई में सुनीता के लिए 2 नंबर की टिकली और 4 नंबर की चूड़ी के साथ साथ एगो सितारा लगा साड़ी देते हैं, और अपने लिए पियर की धोती पे कड़कड़ा हुआ कुर्ता और एगो लाल गमछा, और अपने मुनिया के लिए एगो छागल किनवा देंगे जिसको पहन के वो झुनते झुनते हर घाट पे घूमे। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर फिर राजधानी पटना की सूरत ही बदल गई है। किसी को याद नहीं कि पिछली बार पटना कब इस तरह से डूबा था। नमस्कार, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं भारत लाइव। सरकार दावे कर रही है कि पानी 1 से 2 दिन में निकल जाएगा, आज 5 दिन हो गया और स्थिति आपके सामने है, कमर डूब जा रही है। हम देश के उस हिस्से में हैं जिसके किस्से देर सवेर बाढ़ में बहते रहते हैं। कोसी में न जाने हर साल कितने गांव बह जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं होता जहां छठ में कोसी न भराता हो। जब हम कोसी भरते हैं ना, तो कोसी नदी भी लजा जाती है। अब की बार पटना डूबा, कई गांव डूबे, कई मोहल्ले डूबे, लेकिन आपको पता है डूबते शहरों गाँव मोहल्लों में कितनी जिंदगियां डूबी, कितनी आस्थाएं डूबी, कितने सपने डूबे। चमकी बुखार ने कितने घरों को अंधार कर दिया। स्ट्रगल ना हम बिहारियों के रग रग में बसा है, और इसी स्ट्रगल के बाद हम तैयार हैं अपने छठ के पर्व को महापर्व बनाने के लिए। कहे कि हम बिहारी हैं जहां बाढ़ से लड़के और आगे बढ़ के छठ पूजा की तैयारी बहुत धूमधाम से करते। होली छूट जाता है, दशहरा छूट जाता है, कभी कभी किसी का जॉब भी छूट जाता है, लेकिन कभी छठ नहीं छूटता। क्या कि हमारे लिए जॉब प्रमोशन से बड़ा होता है छठ पूजा। छठ पूजा का ना किसी से कोई तुलना नहीं हो सकता, जैसे कि हमारी जिंदगी, इसका किसी से कोई तुलना नहीं हो। देश प्रदेश में रहने वाले वो हर आदमी का हम मजबूरी समझते हैं, जो नहाए खाए से लेकर सांझे अर्घ देने तक बस उसी छुट्टी का इंतजार करते रहते हैं, ताकि एक दिन पहले अगर छुट्टी मिल जाए तब ही हम घर लौट के चले। देखिए, चाहे वो होली हो, दशहरा हो या छठ हो, ये सब तब अच्छा लगता है जब आदमी घर पर रहता है। घर से बाहर रह के आदमी सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि हर पर्व तीज त्यौहार से भी अलग हो जाता है। मन तो होता है, लेकिन तन धन के चक्कर में इधर उधर बंद कर रह जाता है, और उस समय रोजी रोटी, घर और छठ को आदमी तीनों को तीन एंगल से सोचता है। कभी कभी रोजी रोटी के चक्कर में छठ छूट जाता है, तो कभी छठ के चक्कर में रोजी रोटी। और सच भी यही है कि आखिर आदमी कमाकर करे क्या जब घरे पे तीज त्योहार न बीते। अब पता ना कैसे जैसे ही दशहरा दिवाली निचकाता है, वैसे कहीं ट्रेन कैंसिल हो जाता है, तो कहीं किसी का टिकट कन्फर्म नहीं होता है। उठते गुब्बारों और फूटते पटाखों में सजी घाट की चकाचौंध रोशनी में जिंदगी की बढ़ती उम्र की मनोकामना, वो कोसी के जलते दीप, वो गन्ने में लगी लाल रंग की साड़ी, और उस साड़ी में मेरी माँ के लिए भावनाएं, घाट की वेदियों पर देवियों के लिए उस सुपले में सब्जियों और फलों का बिखरना, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह जो बिखर रही है देश विदेश के कई दूर कोने। वो निर्जल व्रत में तड़पती प्यास की जो रुदन है ना, वही है हर एक के जहन कि कब जाके उठा लेते अपने गमकते महकते उस दौरे को जिसमें अपनी भावनाएं कूट कूट कर खड़ी। ये जो छठ है ना, ये जिंदगी है यार। ये छठ सिर्फ 3 दिन का त्योहार थोड़ी है, बल्कि साल भर का इंतजार भी तो है छठ। क्या छठ के साथ साथ साल भर का सारा पर्व त्योहार खत्म हो जाता है घाट की लड़काई और रॉकेट छुड़ी की लड़ाई। बदलते समय और बदलते रंग में यदि कोई चीज गाढ़ा है, तो वो है छठी माई की महिमा। तबे तो एक वो रिक्शा खींचे वाला आदमी भी इतना श्रद्धा रखता है कि घाट पर सांझ के जाए से पहले इतना फल फूल का व्यवस्था हो जाए, ताकि भोरे गांव में बांट देने के बाद कोई घर छोटा ना रह जाए। लेकिन इस बार थोड़ा अलग है,
दुनिया इस बार बिहार से अलग तरह की छठ देखेगी। कहे कि बिहार में छठ से पहले जो बाढ़ आया था ना, वो भी अलग था। चमकी ने कितने चिरागों की रोशनियों को इस बार फीकी कर दी। वो जो 2 महीने पहले से अपने लिए सूप और दौरा बिन रहे थे, उनके सपनों को इस बार ने तोड़ा। रिक्शे की खड़खड़ाहट में कहीं तो कमी रह गई, और ये फलों की दुकान में सपने ताजे से कब बासी हो गए पता नहीं चला। वो छोटी झोपड़ी में चाची ने जो छठ के लिए अलग से गेहूं सुखा रखा था ना, वो थोड़ा अलग से डूबा है। और जो कोसी और मिट्टी के दिए बना रहे थे ना, उनके कच्चे दियो जैसे सपनों पर पानी फिर गया। पर ये बिहार है साहब, यहाँ सपनों और संघर्षों का बड़ा गहरा नाता है। अब संघर्षों की आजमाइश को बिहारी से अच्छा कौन डील कर पाता है? अब बिहार का कोई रिक्शा चालक हो या फिर कुम्हार, बिना छठ मनाए उसकी जिंदगी कहाँ पूरी होती है। इस बार बाढ़ के पानी में सब कुछ बर्बाद हो गया ना हम लोग का। मिट्टी का पूरा थक्का पानी के साथ बह गया। इस बार छठ पूजा में हाथ कितना खाली हो गया हम लोगों का। और ऊपर से चाइना के बनाए ये रंग बिरंगे दिए और बड़े बड़े कंपनियों के ये डिज़ाइनर मोमबत्तियों के सामने तो हम लोगों का दिया हमेशा ही फीका पड़ जाता है। और इस बार तो हम लोग की ज़िंदगी ही फीकी पड़ गई है। तो इस हालत में हम लोग छठ पूजा कैसे मनाएंगे? इतना निराश काहे होती हो सुनीता? हम भी आ रही हैं जी, सूरज डूबता है तो हम उसको पूजना शुरू करते हैं। अच्छा, तुमको पता है कि हम डूबते सूरज को काहे पूजते हैं? काहे कि हम उसके परिस्थितियों के उतार चढ़ाव को अच्छी तरह समझते हैं, और इसलिए पहले हम सूरज के उस संघर्ष को पूजते हैं और बाद में उसकी लालिमा को। इस बार दिवाली आने वाला है और तुम देखना हमारे जिंदगी का सूरज डूब के खिलने वाला है। हम फिर से माटी तैयार करेंगे, हम फिर से दिए बनाएंगे, हमारी जिंदगी में सूरज फिर से खिलेगा और हमारे दिए ही जलेंगे। हम फिर से छठ मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। बार छठ अपनों के लिए मनाइए, ताकि जब अपने ही अपनों को मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। दौरा भर के ले जाइए और झोला भर के प्रसाद बांटिए। वायरल कलाकार की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। जो सीमा पर हैं, जो सीमा पर हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जय छठी मैया।